डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज 2 मई 2020 सैटरडे एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर गोइंग टू डिलीवर अ विजुअल लेक्चर फॉर यूनिट नंबर 4 क्वेश्चन आंसर वर्क पेजेस ऑफ यूनिट नंबर 3 एंड कम्प्रीहेंशन नंबर 8 फ्रॉम ग्रामर एंड कंपोजिशन। डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज अबाउट द प्रीवियस लेक्चर्स यू मे आस्क। माई लेक्चर इज़ फॉर 9th P1 N1 बॉयज एंड गर्ल्स। As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook and completed the reading translation and word sentences of unit number 4, Hazrat Asma Razila Tala Anha. Today we will do question answer of unit number 4. Question number 6 dekhen. Question answer aapko pata hai students, aapne likhne hote hain. Aaj humne unit number 4 ke jo question answer karne hain, unko aapne apni neat notebook mein likh lena hai और उनको याद करना है अच्छे तरीके से। इसके साथ साथ यूनिट नंबर 3 के वर्क पेजेस थे, जो हमारी कुछ एक्टिविटीज़ रहती थी उसको हमने इस लेक्चर के साथ शामिल किया है। उन वर्क पेजेस में जो एक्टिविटीज़ हम करेंगे उनको आपने सिर्फ याद करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनको लिखना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। विच इंसिडेंट इन द स्टोरी टेल्स अबाउट द जेनरोसिटी ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा, कि इस कहानी में कौन सा वाक़या हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा की सखावत के बारे में हमें बताता है। आंसर है इसका, शी सोल्ड हर इनहेरिटेड गार्डन। लेसन के आखिर में हमने देखा था कि जो तरके में उनको बाग मिला था, उनको और उनकी सिस्टर हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को, उनकी वफ़ात के बाद, हज़रत आयशा की वफ़ात के बाद हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उस बाग को बेच दिया था। एंड गेव अवे ऑल द मनी टू द पुअर एंड नीडी, और वो सारी की सारी रकम जो है वो गरीबों और जो मोहताज थे, ज़रूरतमंद थे, उनको दे दी थी। दिस इंसिडेंट इन द स्टोरी टेल्स अबाउट द जेनरोसिटी ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा, ये वाक़या हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा की सखावत के बारे में हमें बताता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा, कि कौन सा पैगाम जो है हमें उनकी ज़िंदगी से मिलता है। लेसन में हमने देखा है उनकी जेनरोसिटी, उनके विजडम के बारे में, उनकी सच्चाई, बहुत से वाक़यात हैं उनकी ज़िंदगी के जो हमें उनकी खसूसियात के बारे में बताते हैं। वी गेट द मैसेज ऑफ ट्रूथफुलनेस, ब्रेवरी एंड मोडेस्टी फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा। उनकी ज़िंदगी से हमें हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी से आजजी, बहादुरी और सच्चाई का पैगाम हमें मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8, हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस, हाउ, उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए एक मशले राह हैं, कैसे, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, आंसर देखें इसका, शी विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर हर करेज, जेनरोसिटी एंड विजडम, वो हमेशा जो है वो उनके हौसले, सखावत और अकलमंदी के लिए याद रखी जाएंगी। शी हैड रेजोल्यूट फेथ इन अल माइटी, उनका अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान था। सो हर लाइफ वुड ऑलवेज़ बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस, यानी कि ये इस सेंटेंस को उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो जस्टिफाई करती हैं कि उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए नूरे हदायत या मशले राह रहेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर हमने जो है वो कंप्लीट किए हैं यूनिट नंबर 4 के। जो पिछले वाले यकीनन आपने लिख लिए होंगे, इनको भी आपने अपनी नोटबुक में लिख लेना है अच्छी तरह से और याद करना है। यूनिट नंबर 3 के वर्क पेजेस की कुछ एक्टिविटीज़ थी जो हमारी रहती थी। सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक जो है वो अपने सामने खोल लें पेन या पेंसिल के साथ, ताकि जो भी एक्टिविटीज़ मैं आपको करवा रही हूँ वो अपनी बुक पे साथ साथ करते जाएं। समर वेकेशन ख़त्म होने के बाद जब आप लोग स्कूल वापस आएंगे इंशाल्लाह, तो आपकी एक्टिविटीज़ मैंने आपकी बुक पे चेक करनी है, इसलिए इनको ज़रूर लिखें, मार्क करें अपनी एक्टिविटीज़ को, और जो क्रॉस करवा रही हैं उनको क्रॉस करते जाएं, जो टिक करवा रही हूँ उनको टिक करते जाएं, ताकि आपको टर्म टेस्ट के लिए और एनुअल पेपर के लिए याद हो कि आपने कौन सी एक्टिविटीज़ को तैयार करना है और किन एक्टिविटीज़ को आपने तैयार नहीं करना। वो पेपर के हवाले से, आपके बोर्ड पेपर के हवाले से इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यूनिट नंबर 3 का जो है पेज नंबर 24, जहाँ पे रीडिंग ट्रांसलेशन आपकी कंप्लीट हुई थी, वहाँ पे आप देखें आपके पास है ग्लॉसरी, जो कि हम कर चुके थे। ओरल एक्टिविटी है पेज नंबर 24 पे, ओरल एक्टिविटी को क्रॉस कर दें। उसके बाद है पेज नंबर 25, पेज नंबर 25 पे आपको नज़र आ रहे हैं क्वेश्चन आंसर हैं, और एक्टिविटी है एक रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट वाली, उस एक्टिविटी को भी आपने क्रॉस कर देना है। समराइज़ द लेसन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग माइंड मैप, जो माइंड मैप बना हुआ नज़र आ रहा है वो एक्टिविटी हमने पेपर के लिए तैयार नहीं करनी। क्वेश्चन आंसर हमने किए हैं इसके,
जो कि आपने अपनी नोटबुक में लिखे हैं। फिर उसके बाद इसी पेज पे, पेज नंबर 25 पे एक सी एक्टिविटी है, लोकेट सम बुक्स एंड राइट देयर टाइटल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसको भी आपने क्रॉस कर देना है। ध्यान से सुनते जाएं एक्टिविटीज़ को और इनको क्रॉस करते जाएं। फिर उसके बाद आ जाएं आप बेटा पेज नंबर 26 पे। पेज नंबर 26 पे है आपकी एक्टिविटी फर्स्ट वोकैबुलरी की। आप देखें पेज नंबर 26 मैंने आपके साथ जो है वो इमेज की फॉर्म में इसीलिए शेयर किया है ताकि अगर कोई पेज एडिशन के डिफरेंस की वजह से आगे पीछे भी है तो आपको एक्टिविटी कम से कम नज़र आ रही हो। एक्टिविटी ए है, हमने वर्ड सेंटेंसेस किए हैं, आपने अपनी नोटबुक में भी लिखे हैं, सो इसको टिक कर लेना है आपने। बी एक्टिविटी आपने जो है वो नाउन्स एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब के हवाले से ब्रीफली इसको हम पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में, फिर उसके बाद जो है वो हम इस एक्टिविटी को करेंगे। P1 ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल से क्लास में पढ़ा हुआ है। N1 को थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ, बाकी डिटेल में इंशाल्लाह हम पार्ट्स ऑफ स्पीच दोबारा करेंगे। नाउन्स, जैसा कि आपको पता है नाउन जो है इसम को कहते हैं, नाम किसी भी चीज़ का, किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज़ का, किसी भी आइडिया का जो नाम होता है उसे हम नाउन कहते हैं, ठीक है। यानी द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग और एनी आइडिया इज कॉल्ड नाउन, नाउन कहलाता है। आपने ये जो गिवन वर्ड्स हैं, कुछ मीडिया, ऑडियंस, मींस, ईगरली, इन सब में से आपने नाउन को अलहदा करना है, एडजेक्टिव्स को अलहदा करना है, एडवर्ब्स को अलहदा करना है। कॉलम नज़र आ रहा है, आपने इनमें लिखना है, ठीक है। एडजेक्टिव्स के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। एडजेक्टिव्स जो हैं वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। नाउन को डिस्क्राइब करते हैं मतलब उसकी खूबी, खामी, उसका रंग, साइज, शेप, यानी कुछ भी बताएं, वो वर्ड जो कि नाउन के बारे में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन दें, डिस्क्राइब करें नाउन को, प्रोनाउन को, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडवर्ब्स होते हैं, जैसे कि उसके नाम से आपको पता चल रहा है, वर्ब से रिलेटेड है ये। वर्ब आपको पता है काम होता है, एक्शन वर्ड। तो एडवर्ब जो है वो क्या होते हैं, हर वो वर्ड, ये भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है, ये तीनों के तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। एडवर्ब होता है वो वर्ड जो के वर्ब के मीनिंग में एडिशन करता है। यानी जैसे वर्ड है एक, दौड़ना, भागना, रन, ठीक है। अगर हम कहते हैं रन फास्ट, तेज भागो, तो जो फास्ट वर्ड है वो वर्ब के मीनिंग में एडिशन कर रहा है। इस तरह से जैसे मैं कहूँ कि राइट नीटली, खूब साफ सुथरा लिखो, तो लिखना, राइट एक काम है और नीटली उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो जो नीटली वर्ड हुआ, जो फास्ट वर्ड हुआ, वो क्या होगा, एडवर्ब। समझ आ गई बात की? अच्छा जी, अब आपको जो दिए गए अल्फाज हैं इनको मैं एक एक करके बोल के बता दूंगी कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, आपने इनको कॉलम में लिखते जाना है। मीडिया है, सबसे पहले मीडिया जो है नाउन है एक, क्योंकि ये नाम है। फिर है ऑडियंस, ऑडियंस भी नाउन है, आप इसे नाउन वाले कॉलम में लिखेंगे। फिर है वर्ड मींस, मींस जो है ये भी नाउन है। ईगरली है उसके बाद, ईगरली जो वर्ड है वो आपका, ईगरली आपका वर्ड जो है वो एडवर्ब है, ठीक है, इसका मतलब होता है शौक से। फिर है ग्लोबल वर्ड, ग्लोबल बेटा आपका एडजेक्टिव है। फिर है करेक्टिव, करेक्टिव भी आपका एडजेक्टिव है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो है वर्ड ये आपका नाउन में आ जाएगा, नाउन वाले कॉलम में। इंफॉर्मेशन है नेक्स्ट वर्ड, इंफॉर्मेशन भी आप नाउन वाले कॉलम में लिखेंगे। मालूमात होता है इसका मतलब इम्पैक्ट, असर, ठीक है, ये भी आप नाउन वाले कॉलम में लिखेंगे। फिर है आपका वर्ड कंस्ट्रक्टिव, तामीरी, ये आप एडजेक्टिव वाले कॉलम में लिखेंगे। फॉल्स, फॉल्स वर्ड भी जो है झूठा या झूठी खबरें जो है वो एडजेक्टिव, आप एडजेक्टिव वाले कॉलम में फॉल्स को लिखेंगे। फिर है वर्ड आपका नेक्स्ट लाउडली, लाउडली भी जो है वो आप एडवर्ब वाले कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। आपने इनको ध्यान से सुन के जो इनका रिलेटेड कॉलम है उसमें इनको लेड पेंसिल से या पेन से लिख लेना है। कोशिश किया करें कि टेक्स्ट बुक पे जो भी आप लिख रहे होते हैं वो आप लेड पेंसिल से लिखें। उसके बाद नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है, इसी पेज पे आप देखें अगर नीचे, तो ग्रामर से रिलेटेड, चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इंटू नाउन्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद नाउन्स, के जो दिए गए लफ्ज़ हैं इनको पहले आपने नाउन में चेंज करना है, और फिर जो एक्टिविटी है नीचे फिल इन द ब्लैंक वाली, इनको आपने नाउन्स में, नाउन्स की फॉर्म में जो लिखे हैं आपने उनको लिखते जाना है इन ब्लैंक्स में। अच्छा, ये जो एक्टिविटी अभी हमने की है पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड नाउन एडजेक्टिव वाली, ये आपके पेपर में
कॉलम की फॉर्म में नहीं आती, बल्कि आपके पेपर में जो है ये MCQs की फॉर्म में आती है। इसी तरह ये जो एक्टिविटी ब्लैंक्स की फॉर्म में है, ये आपके ब्लैंक्स की फॉर्म में नहीं आती, बल्कि MCQs की फॉर्म में ही आती है, क्योंकि कॉलम या फिल इन द ब्लैंक आपके पेपर के पैटर्न में शामिल नहीं है। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं सेव, एक्साइटेड, डिवेस्टेटिंग, इनको पहले मैं नाउन में चेंज करने लगी हूँ। आप ये करें कि एक अपनी पेंसिल या पेन से इनको जो है वो पहले इसी के साथ साथ ऊपर या इसके नीचे लफ्ज के लिखते जाएं और बाद में इनको ब्लैंक्स में लिखें। ठीक है, अच्छा जी, वर्ड्स देखें, ये आप इन वर्ड्स को हमने नाउन में चेंज करना है। सेव, सेफ्टी, एक्साइटेड, एक्साइटमेंट, डिवेस्टेटिंग, डिवेस्टेशन, एक्टिव, एक्टिविटी, हेल्पलेस, हेल्पलेसनेस, होपलेस, होपलेसनेस, एबल, एबिलिटी, जस्टिफाई, जस्टिफिकेशन। ठीक है, इनको आपने इन वर्ड्स के साथ लिख लिया, अब हम इनको ब्लैंक्स में इसी तरतीब से लिखते जाएंगे। डॉक्टर्स आर कंसर्न्ड विद सेफ्टी ऑफ द पेशेंट्स। इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट शी क्राइड लाउडली। फ्लड ऑफन कॉज लार्ज स्केल डिवेस्टेशन। पॉजिटिव एक्टिविटी विल कीप यू हेल्दी। हर हेल्पलेसनेस वॉज क्वाइट ऑब्वियस। होपलेस, शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस। फिर है एबल, शी हैज़ द एबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। हैव यू एनी जस्टिफिकेशन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, ये हमने इनको नाउन में चेंज कर लिया और इनको हमने ब्लैंक्स में भी लिख लिया। ये एक्टिविटी आपको MCQs की फॉर्म में आ सकती है। उसके बाद आप लोग बेटा पेज आ जाएं, पेज नंबर 27 पे। पेज नंबर 27 पे आप देखें एक्टिविटी है बी, जिसको आप टिक कर लें, यानी ये एक्टिविटी हमने करनी है। आपको कहा गया है कि आपने पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव और इंडेफिनेट प्रोनाउंस जो है आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से हैं हर सेंटेंस में। चार सेंटेंसेस हैं जिसमें से आप आइडेंटिफाई करते जाएं। पहले आप अंडरलाइन कर लें उनको, फिर हम लिखेंगे कि ये कौन सा प्रोनाउन है। पहले सेंटेंस में दिस इज़ माई बुक, इसमें दिस को अंडरलाइन करें। दिस जो एक प्रोनाउन है, टाइप इसकी बाद में लिखते हैं। सलमान इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। ही, इस सेंटेंस में ही को अंडरलाइन करें। फिर है यू विल हर्ट योर सेल्फ, यू और योर सेल्फ, इन दोनों को अंडरलाइन करें। फिर है नो बॉडी वॉज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड। नो बॉडी को आपने अंडरलाइन कर लेना है, इसके नीचे लाइन लगा लेनी है। अंडरलाइन कर लिया, अब आपने अब हर एक के ऊपर लिखते जाएंगे ये कौन सी टाइप है। पहले आपको पता होना चाहिए कि ये टाइप्स जो है इनका क्या मतलब होता है। पर्सनल होते हैं वो प्रोनाउन जो कि अशखास के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे आई वी है, आई वी, ही, दे, शी, इट वगैरह। पोजेसिव होते हैं जो कि मलकियत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे माए, योर, मेरा, उसका वगैरह, इस तरह। फिर रिफ्लेक्सिव हैं जो कि रिफ्लेक्ट करें अपने सब्जेक्ट को, जैसे यहाँ पे योर सेल्फ है। और इनडेफिनेट होते हैं जो कि डेफिनेट नहीं होते कि किसके बारे में बात की जा रही है, जैसे नो बॉडी, एनी बॉडी, सम, बोथ वगैरह। ठीक है, ये टाइप्स हैं। अब दिस जो है हमने अंडरलाइन किया, लव्स दिस जो है वो क्या है, यहाँ पे हमारे पास दिस इज माय बुक, इसमें दिस और माय ये दोनों वर्ड हमने अंडरलाइन किए हैं, तो माय इसमें जो है वो क्या होगा, पोजेसिव प्रोनाउन। और दिस जो है आपके यहाँ पे शो नहीं हुआ प्रोनाउन ये कौन सा है, लेकिन ये जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। सलमान इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। ही को आपने जो है वो अंडरलाइन किया है, तो ही यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है। यू विल हर्ट योर सेल्फ, यू यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है, योर सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नो बॉडी अंडरलाइन किया है, तो नो बॉडी यहाँ पे इंडेफिनेट प्रोनाउन है। उसके बाद आ जाएं आप सी एक्टिविटी पे। आइडेंटिफाई प्रोनाउन एरर्स एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली। आपसे कहा गया है कि प्रोनाउन के जो एरर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनको दोबारा से लिखें सेंटेंसेस को सही करके अगर उसमें कोई गलती है। ठीक है, मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी, दे रेजेज अवेयरनेस। अब प्रोनाउन आपको पता है कि जो नाउन यूज हुआ होता है उसी से रिलेटेड होते हैं। दे वर्ड यहाँ पे ठीक नहीं है, क्योंकि मीडिया सिंगुलर है, इसलिए इसके लिए सिंगुलर ही प्रोनाउन आएगा, इट आएगा। दे को अंडरलाइन करके इसके ऊपर लिख लें इट, या दे को काट दें। ठीक है, पहला सेंटेंस हो गया आपका। सेकंड देखें, माय वुड कंक्लूड द डिस्कशन बाय सेइंग दैट मीडिया प्लेज अ पॉजिटिव रोल एंड हैज अ करेक्टिव इंपैक्ट इफ दे वर्क ऑनेस्टली। इस सेंटेंस में दो लफ्ज आपने अंडरलाइन करने हैं, एक माय और एक दे। माय की जगह पे आपने लिखना है आए, ठीक है, और दे की जगह पे आपने लिखना है इट, क्योंकि इट ठीक है, दे यहाँ पे मीडिया के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, मीडिया सिंगुलर है और दे प्लूरल है, तो दे की जगह पे आपने क्या लिखा, इट।
फिर है तीसरा देखें, गुड वेरी वेल कंक्लूडेड, आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ योर्स हैव पार्टिसिपेटेड, तो योर्स को अंडरलाइन करेंगे आप, ऑल ऑफ यू, योर्स यहाँ पे इनकरेक्ट है, इन दिस डिस्कशन एंड हैव एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ वेरी वेल, यहाँ आएगा एक्सप्रेस्ड योर सेल्फ वेरी वेल, हिमसेल्फ की जगह पे, ठीक हो गया। ये एक्टिविटी थी सी जिसको हमने किया है। एक्टिविटी डी भी आ जाए आप, एक्टिविटी डी भी आपकी ब्लैंक्स की फॉर्म में है, लेकिन जो है ये आएगी आपके एनुअल पेपर में एमसीक्यूज की फॉर्म में, ये आपके ब्लैंक्स की फॉर्म में पेपर में नहीं आती। कंप्लीट द सेंटेंसेस चूजिंग द राइट ऑप्शन, दो दो ऑप्शन हैं, आपने इनमें से कोई एक ठीक करना है। मीडिया डैश अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी, मीडिया प्लेज, ठीक है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, इसलिए प्लेज आएगा। मीडिया डैश ऑल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउनट्रोडन, मीडिया हैज ऑल्सो बिकम, हैव नहीं आएगा क्योंकि मीडिया सिंगुलर है, हैव आपका जो है वो प्लूरल के साथ आता है। उसके बाद थर्ड वन देखें, अगले पेज नंबर 8 पे, आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू हैव, यू के साथ हमेशा क्या आता है, हैव। फिर है देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस, ओपिनियंस के साथ चूंकि प्लूरल हैं ये दोनों, तो आर आएगा, इज नहीं आएगा। फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, द इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, डैश अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट, तो प्रोवाइड आएगा, ठीक है। चाहे ये ज़्यादा हैं, लेकिन ये जब ज़्यादा होते हैं नाउन एक ही जगह पे एंड के साथ यूज़ हो रहे हैं, तो वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। उसके बाद बेटा इसी पेज पे आपको एक्टिविटी नज़र आ रही है एक, चेंज द वॉइस की एक्टिविटी, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि अभी हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो है वो किए नहीं है, इस वजह से इस एक्टिविटी को हम पेंडिंग में लिख लेंगे, ठीक है। अभी हम इसको टिक कर लेते हैं, लेकिन अभी इसको हम करेंगे नहीं, जब हम एक्टिव पैसिव कर लेंगे तो फिर हमें ये एक्टिविटी अच्छी तरह से समझ आएगी, फिर हम इस एक्टिविटी को दोबारा से इस चैप्टर में से करेंगे। उसके बाद आप इसी पेज पे देखें, एक्टिविटी है एक, चेंज द पैराग्राफ इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इस एक्टिविटी को क्रॉस कर दें पेपर में, इस तरह से जो है वो ये एक्टिविटी नहीं आती। फिर पंक्चुएट द फॉलोइंग, पंक्चुएशन भी आपके एनुअल पेपर में नहीं आती, ना ऑब्जेक्टिव में ना सब्जेक्टिव में, इसलिए इस एक्टिविटी को भी क्रॉस कर दें। पेज नंबर 29 है आपका राइटिंग स्किल्स, इस पूरे पेज को क्रॉस कर दें। पेज नंबर 30 है आपका सैम्पल ईमेल, इसको भी आप क्रॉस कर दें। फिर है 31 पेज आपका ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, इस पेज को भी आप कम्प्लीटली क्रॉस कर दें। ये आपकी यूनिट नंबर 3 की वर्क पेजेस कम्प्लीट हो चुके हैं आज। यूनिट नंबर 4 के भी हमने वर्क पेजेस कंप्लीट कर लिए थे, क्वेश्चन आंसर जो रिमेनिंग थे वो आज हमने ख़त्म कर लिए हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 4 तक हमारा पीछे से सारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने पोइम करनी है डैफोडिल्स, तो उसकी समरी जो है वो हम तैयार करते होते हैं, तो P1 के पास जो है वो समरी मौजूद है, N1 के साथ मैं समरी शेयर करूँगी। उसकी रीडिंग ट्रांसलेशन हम याद नहीं करते, अब नेक्स्ट लेक्चर में उस पोएम के बारे में मैं आपको गाइड कर दूंगी, कोशिश करें कि वो समरी आप खुद लिखें। ग्रामर एंड कंपोजिशन से जो है वो हम कम्प्रीहेंशन पैसेजेस कर रहे हैं। कम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 8 आज हमने करना है। कम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ये बहुत ज़्यादा ईजी है लेकिन ये पेपर में अक्सर आ जाता है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं हम। वन डे अ गर्ल फाउंड अ क्वाइन, एक दिन एक लड़की को एक सिक्का मिला। इट रोल्ड अवे बिफोर हर ब्रूम व्हेन शी वॉज स्वीपिंग द यार्ड, एक दिन जब वो सफाई कर रही थी सहन की, तो झाड़ू लगा रही थी, शी वॉज स्वीपिंग, सफाई कर रही थी, तो वो उसकी झाड़ू के सामने लुढ़कता हुआ चला गया। रोल्ड अवे, लुढ़कता हुआ गया, बिफोर हर ब्रूम, उसकी झाड़ू के सामने। एंड फेल विद अ लिटल क्लैटर अगेंस्ट द वॉल, और दीवार के साथ जाकर हल्की से छनाके से गिर गया, यानी हल्की सी आवाज़ से। शी रेन एंड पिक्ड इट अप, वो भागी और इसने इसे उठा लिया। Someone had dropped it, किसी ने इसे गिरा दिया था, यानी सिक्के को, while crossing the yard, जब वो वहाँ से गुजर रहा था। And perhaps had not even seen trouble to look for it, और शायद इसे ढूंढने की या इसकी तरफ देखने की भी जो है वो जहमत उसने नहीं की थी। It was worth little, वो बहुत कम कीमत का था, but it seemed a whole fortune to her who never had anything of her own before, लेकिन वो उसके लिए एक पूरी किस्मत था जिसका पहले से अपने पास कुछ भी नहीं था, यानी उस लड़की के लिए बहुत ज़्यादा कीमती था, चाहे वो बहुत ही कम कीमत का सिक्का था। शी रब्ड इट क्लीन ऑन द स्लीव ऑफ हर ब्लू कॉटन जैकेट, उसने अपनी नीली कॉटन की जैकेट की बाजू पर, आस्तीन पर इसे रगड़ कर साफ किया। एंड पुट इनटू हर पॉकेट, और इसे अपनी जेब में रख लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, व्हाट डिड द गर्ल फाइंड,
लड़की को क्या मिला? द गर्ल फाउंड अ क्वाइन, लड़की को एक सिक्का मिला। क्वेश्चन नंबर टू देखें, वेन डिड शी फाइंड इट, इसे ये कब मिला? शी फाउंड इट वेन शी वॉज स्वीपिंग द यार्ड। अच्छा, आपने क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, लेकिन ये जहन में रखना है कि जो टेंस यूज़ किया जा रहा है क्वेश्चन में, वही आप आंसर में टेंस यूज़ करें, ठीक है? बच्चे मोस्टली यही मिस्टेक करते हैं कि द गर्ल फाइंड लिखा है, यहीं से शुरू कर लिया, पीछे डिड को देखते नहीं है। ये टेंस आपका पास्ट चल रहा है। शी फाउंड इट वेन शी वॉज स्वीपिंग द यार्ड, ये उसे मिला जब वो सफाई कर रही थी सहन की। क्वेश्चन नंबर थ्री है, हाउ हैड द क्वाइन ड्रॉप्ड देयर, सिक्का जो है वहाँ पे कैसे गिर गया? समवन हैड ड्रॉप्ड द क्वाइन देयर, किसी ने इसे वहाँ गिरा दिया था। क्वेश्चन नंबर फोर देखें, व्हाट वाज द वर्थ ऑफ द क्वाइन, उस सिक्के की क्या कीमत थी? द क्वाइन वाज ऑफ लिटिल वर्थ, वो बहुत कम कीमत का था। क्वेश्चन नंबर फाइव देखें, वाई वाज इट अ होल फॉर्चून फॉर हर, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा कीमती क्यों था? इट वॉज अ होल फॉर्चून फॉर हर बिकॉज शी नेवर हैड एनी थिंग ऑफ हर ऑन बिफोर, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा कीमती था क्योंकि उससे पहले उसका कुछ भी अपना नहीं था, यानी उसकी अपनी मलकियत कुछ भी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हाउ डिड शी क्लीन इट, उसने इसे कैसे साफ़ किया? शी क्लीन इट बाई रबिंग इट ऑन द स्लीव्स ऑफ हर जैकेट, उसने इसे अपनी जैकेट की आस्तीन पर रगड़ कर साफ़ किया। क्वेश्चन नंबर सेवन देखें, वट डिड शी डू आफ्टर क्लीन इट, इसने इसे साफ करने के बाद क्या किया? After cleaning it, she put it into her pocket. इसे साफ करने के बाद उसने इसे अपनी जेब में रख लिया। हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो एंड से किए हैं 6, 7 और 8 यूनिट नंबर 4 के, जो आपने अपनी बुक पे लिखने नोटबुक पे लिखने हैं, और वर्क पेजेस जो हैं वो आपने यूनिट नंबर 3 के जो किए हैं अपनी बुक के ऊपर, उनको अच्छी तरह से याद करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, और कॉम्प्रिहेंशन नंबर 8 की आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, इसके आंसर्स अपनी नोटबुक में लिख के देखने हैं, कोई प्रॉब्लम हो लेक्चर में वो आपने मुझसे पूछ लेना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखें।